अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओंकार 24/7 और मैं हूं आपके साथ कहकशा परवीन। जैसा कि आपने हमारे चैनल पर कई सारे डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड एपिसोड देखे होंगे, हमने गलत कंपनी के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाई है और आगे निरंतर भी इसी तरह आवाज़ उठाते रहेंगे। हमने सबूतों और सही तथ्यों के साथ अपनी बात रखी है। बहुत सारे व्यूअर्स ने कमेंट्स कर हमारे काम की सराहना भी की और कुछ चंद लोगों ने आलोचना भी की, लेकिन इन सब से हटकर हम आगे भी इसी तरह आपको डायरेक्ट सेलिंग की अंदरूनी सच्चाई से और उसकी खूबसूरती से आपको रूबरू कराते रहेंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी क्या होती है, ये कैसे ऑपरेट करती है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कैसे पैसे कमाते हैं, साथ ही इंडस्ट्री को रेगुलेट करने वाले नियम कानून क्या हैं और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इतनी विवादास्पद क्यों है। इससे पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी क्या है। डायरेक्ट सेलिंग का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग क्या है और कैसे की जाती है। तो बता दें कि डायरेक्ट सेलिंग एक व्यापार करने का एक सुगम व सरल माध्यम है, जिसमें कंपनी बिना किसी बिचौलियों के सीधे तौर पर अपना प्रोडक्ट व सेवाओं की मार्केटिंग अपने ग्राहकों तक करती है। इससे उपभोक्ता व विक्रेता सीधे कंपनी से जुड़े होते हैं। इतना ही नहीं, इसके वितरक अपने निजी संपर्क से काम कर सकते हैं। सीधे शब्दों में बताएं तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दुकानों के जरिए सेल करने के बजाय डायरेक्ट कंज्यूमर से बेचती हैं। ये इंडिपेंडेंट सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के जरिए पर्सन टू पर्सन बेसिस पर सेलिंग करते हैं। एमवे, ओरिफ्लेम, एवॉन और मोदी केयर इंडिया की जानी मानी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में से एक हैं। अब बात करेंगे कि कैसे ऑपरेट करती है। तो बता दें कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इंडिपेंडेंट सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का नेटवर्क बनाती है, जो अपने पर्सन नेटवर्क या कॉन्टैक्ट यूज करके प्रोडक्ट्स बेचते हैं। ये कंपनी के एम्प्लॉयज़ नहीं होते, बल्कि ये सेल्फ एम्प्लॉयड माने जाते हैं और उन्हें कमीशन मिलता है। आजकल डायरेक्ट सेलिंग्स इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग साइट्स का इस्तेमाल भी करते हैं। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कैसे कमाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां दो तरह की होती हैं, सिंगल लेवल मार्केटिंग SLM और मल्टी लेवल मार्केटिंग MLM कंपनियां जैसे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को उनकी पर्सनल सेल्स एक्टिविटी पर इनकम का एक हिस्सा कमीशन देती हैं। MLM ने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव दूसरे लोगों को सेल्स टीम से जोड़कर बना अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं। उन्हें अपने रिक्रूट्स के सेल्स पर कमीशन या बोनस मिलता है। ये इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का सबसे पॉपुलर मॉडल है। इंडस्ट्री को रेगुलेट करने वाले लॉ क्या हैं। इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग के लिए क्लियर पॉलिसी फ्रेमवर्क या रेगुलेशन नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग के कुछ कामकाजी पहलू मौजूदा नियमों के तहत कवर होते हैं, इससे इसमें क्लैरिटी नहीं आती है और परिभाषा को लेकर दिक्कत होती है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री विवादास्पद क्यों है। कई मल्टी लेवल कंपनियों के डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन ऑफ द US और प्राइस चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट 1978 के तहत बनाए गए नियमों का पालन नहीं करने से इंडस्ट्री विवादों में फंस गई है। नियम कहते हैं कि चेन का कोई भी मेंबर सिर्फ नया सेल्स पर्सन रिक्रूट करके या रेफर करके कमाई नहीं कर सकता। अगर मेंबर्स को सिर्फ रिक्रूटमेंट से कमाई होती तो चेन पोंजी बन जाती है, जिसमें लोगों की इनकम तक बढ़ती है। जब नए लोग इसमें बेस बनाते हैं, जुड़ते हैं, नियम के हिसाब से रिक्रूटर को इनकम तभी होनी चाहिए जब वह कुछ सेल करे। सेल से नई इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू होती है और सेलर के कमीशन को चेन में शामिल दूसरे लोगों से बांटा जा सकता है। जो मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियां नए रिक्रूट्स को बेचे जाने वाली स्टार्टअप मार्केटिंग किट की कास्ट को रिक्रूट्स की सेल्स के तौर पर लेती हैं, वो एक तरह से नए सेलर की रिक्रूटमेंट से कमाई करती हैं। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगे हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ ही हम जल्द ही आपके सामने डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ी एपिसोड लेकर आने वाले हैं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप जुड़े रहिए ओंकार 24/7 के साथ। धन्यवाद। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।